नमस्कार, पाठ 18 अंधेरी नगरी। एमा आपणे पात्र परिचय मेळवी लीधा पछी पहेलू दृश्य, बीजू दृश्य ए आपणे समझी लीधा पछी एज पाठमां आगळ હવે તીસરા દ્રશ્ય ગોવર્ધનદાસ બેઠા મીઠાઈ ખા રહા હે। ગોવર્ધનદાસ ગુરુજી ને હમકો બેકાર યહાં રહેને કો મના કિયા થા, માના કી દેશ બહુ બુરા હે, પર અપના ક્યા खाते पीते मस्त पड़े। इतली बार मां तो चार सिपाही चारे बाजू थी आवी अने ए गोवर्धनदास ने पकड़ी ले छे। सिपाही कहे छे, चल बे चल, मिठाई खाकर खूब मोटा हो गया, आज मजा मिलेगा। गोवर्धन दास कहे छे, खूब गभराई, अरे यह आफत कहां से आई, अरे भाई मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो मुझे पकड़ते हो। त्यारे सिपाही कहे छे, बात यह है कि कल कोतवाल को फांसी का हुक्म हुआ था, जब उसे फांसी देने को ले गए तो फांसी का फंदा बड़ा निकला, क्योंकि कोतवाल साहब दुबले पतले हैं। हम लोगों ने महाराज से अर्ज की, इस पर हुक्म हुआ कि किसी मोटे आदमी को फांसी दे दो, क्योंकि बकरी मरने के अपराध में किसी न किसी को सजा होनी जरूरी है, नहीं तो न्याय न होगा। गोवर्धन दास कहे छे, दुहाई परमेश्वर की, अरे मैं ना हक मारा जाता हूं, अरे यहां बड़ा ही अंधेर है, गुरुजी आप कहां हो, आओ मेरे प्राण बचाओ। गोवर्धन दास खूब चीसो पाड़ी अने कहे छे, अने एटला मां तो एने सिपाही पकड़ी ने लई जता होय छे। त्यारे गोवर्धन दास कहे छे, हाय बापरे, मुझे बेकसूर ही फांसी देते हैं। त्यारे सिपाही कहे छे, अबे चुप रह, राजा का हुक्म भला कहीं टल सकता है। गोवर्धन दास कहे छे, हाय मैंने गुरु जी का कहना न माना, उसी का यह फल है। गुरु जी कहां हो, बचाओ गुरु जी, गुरु जी बचाओ। ત્યારે એના ગુરુજી એટલે કે મહંત કહે છે, અરે બચ્ચા ગોવર્ધનદાસ, તેરી યહ ક્યા સ્થિતિ હે। ગોવર્ધનદાસ કહે છે હાથ જોડીને, કે ગુરુજી દીવાર કે નીચે બકરી દબ ગઈ, જિસકે લીએ મુજે ફાંસી દી જા રહી હે, ગુરુજી બચાવ। ત્યારે મહંત કહે છે, कोई चिंता नहीं, सुनो मुझे अपने शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो। त्यारे सिपाही उसे थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। गुरुजी चेले को कान में कुछ समझाते हैं, अने महंत, नहीं बच्चा, हम बूढ़े हैं, हमको चढ़ने दो।
इस प्रकार दोनों बहस करते हैं। सिपाही परस्पर चकित होते हैं। राजा, मंत्री और कोतवाल आते हैं। जैसे आ बहस ए अनुरोध करता हो गोवर्धन दास और मोहन, त्यारे सिपाही साम सामे जो याने खूब आश्चर्य में पड़ी जाए छे के ले आ केम बे तैयार थाय छे फांसी ए चढ़वा माटे। राजा, यह क्या बोल मार है? त्यारे सिपाही कहे छे, महाराज चेला कहता है मैं फांसी चढ़ूंगा और गुरु कहता है मैं चढ़ूंगा। कुछ मालूम नहीं पड़ता कि क्या बात है। राजा कहे छे गुरु ने के बाबा जी बोलो, आप फांसी क्यों चढ़ना चाहते हैं? त्यारे महंत कहे छे राजा, इस समय ऐसी शुभ घड़ी में जो हमारा सीधा स्वर्ग जाएगा। मंत्री कहे छे तब तो हम फांसी चढ़ेंगे। गोवर्धन दास कहे नहीं, हमको हुक्म है। कोतवाल कहे हम लटकेंगे, हमारे कारण से तो दीवार गिरी। त्यारे राजा कहे छे चुप रहो सब लोग, राजा के जीते जी और कौन स्वर्ग जा सकता है, तो हमको फांसी चढ़ाओ, जल्दी जल्दी करो। बस अटले सुधी पहुंचे छे त्यां तो राजा को नौकर लोग फांसी पर लटका देते हैं और पर्दा गिरता है। अबे आ पाठना स्वाध्यायना दरेक प्रश्नोत्तर सेट नोट मां लखवाना छे। ए प्रश्नोत्तर लखाई गया बाद आगळ पेज नंबर 93 अने 94 ए वाक्य तथा वाक्य के प्रकार तेनी समझूती आपेली छे। एटले 93 अने 94 पेज उपरथी आ पुस्तक माथी जोई जोई ने तमारे तमारी सेट नोट मां पेज नंबर 93 अने 94 ए बन्ने आजे लखवाना रहेशे। नमस्कार।